अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे साथ खास एक्सपर्ट होते हैं जो उनके जवाब देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ऋचा सरीन, कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज से। डॉक्टर ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल अवनी पूछेंगी पुणे से। मेरा सवाल यह है कि कोरोना वायरस के बहुत सारे लक्षण हैं, परंतु अब ठंड के साथ मुझे हर बार चिंता होती है कि मैं थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोविड है या नहीं? ठीक है, तो अवनी, अच्छा सवाल है ये। अभी जो सीजन चेंज हुआ है, इसके साथ काफी लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उसको हम कोविड के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो पहले तो जैसे आपने बोला कि आप प्रोन हो ऐसे एलर्जीज होने के लिए, तो जो लोगों को एस्थमा होता है या फिर उनको एलर्जिक राइनाइटिस या सीजन चेंज होने पे सर्दी खांसी रहती है, अगर उनको इस समय पे थोड़ी बहुत सूखी खांसी, रनिंग नोज ऐसे होता है लेकिन साथ में फीवर नहीं है, तो आप एक आध दिन वेट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीवर आ रहा है, आपको सोर थ्रोट हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन, बॉडी में वीकनेस हो रही है, या फिर आपका एक्सपोजर हुआ है किसी के साथ जिसको कोविड हुआ है, आपकी फैमिली में किसी को हुआ है, तो आप वेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको कोविड की टेस्टिंग करानी ही पड़ेगी जी। ये हम एक और चीज देख रहे हैं कि काफी सारे एस्थमा पेशेंट्स और सीओपीडी पेशेंट्स में इस समय कोविड के वजह से भी एक्सेसरबेशन हो रही है, तो अगर आपको एक दो दिन के बियॉन्ड सिम्टम्स रहते हैं तो आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। बिल्कुल। वैभव पूछेंगे अगला सवाल अलीगढ़ से। माय नेम इज वैभव गुप्ता फ्रॉम अलीगढ़। माय क्वेश्चन इज, क्या किसी भी चीज की महक का पता न चलने पर हमें घबराने की जरूरत है क्या? क्योंकि आजकल सामान्य सर्दी जुकाम में भी हमें महक महसूस नहीं होती है। जी, तो ये भी एक अच्छा सवाल है वैभव। एक्चुअली कभी भी अगर हमारा नोज ब्लॉक्ड होता है या फिर हमें सर्दी खांसी होती है तो हमें लॉस ऑफ स्मेल होता है। ये हम पहले इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते थे, बट बिकॉज अब ये कोविड के सिम्टम के साथ लिंक हुआ है तो अब हमारा पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि आपको सारे सिम्टम्स देखने हैं कि आपको फीवर आ रहा है, आपको वीकनेस आ रही है, तो आपको कोविड कराने की जरूरत है। सिर्फ आइसोलेटेड लॉस ऑफ स्मेल के लिए परेशान नहीं होइए, लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से अगर कभी भी आपको रनिंग नोज, सोर थ्रोट, थोड़ा बहुत भी फीवर होता है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको आइसोलेट होना है अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर एक दो दिन में आपकी परेशानी बढ़ती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर के साथ टच में आना है और शायद हम आपका कोविड कराएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से आइसोलेट हो जाएंगे तो अगर रेट्रोस्पेक्टिवली आप कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो आपने अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋचा सरीन। तो डॉक्टर साहब बार बार यही ये बात समझाने की कोशिश कर रही हैं जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि अगर जरा से भी लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को दूसरों से अलग कर लें, अपने परिवार से अलग कर लें, और उसके बाद आप टेस्ट कराएं, आगे बढ़े। अगर पॉजिटिव आते हैं तो अच्छा ही होगा कि किसी और को ना फैलेगा संक्रमण, अगर नेगेटिव आते हैं तो आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। तो खास एहतियातों का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये वक्त जल्द ही गुजर जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।